वर्तमान की व्यस्त जिंदगी में लोग फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उससे पेश 35 वर्षीय राजेश तिवारी ने उमरिया से पूरा 600 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूर्ण की है, जिनके आगमन पर नागपुर मित्र परिवार द्वारा उनका स्वागत किया गया। आज के जीवन में वर्कलोड के चलते लोग शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वहीं लग्जरियस होने के चक्कर में प्रकृति से काफी दूर जा रहे हैं। साइकिल हमारा पारंपरिक साधन है, जिसका उपयोग करते हुए पहले के लोग तंदुरुस्त और स्वस्थ रहते थे, लेकिन आज साइकिल विलुप्त हो रही है, जिसके चलते साइकिल का महत्व विदित करते हुए मैंने 600 किलोमीटर साइकिल चलाने का बीड़ा उठाया है। ऐसी प्रतिक्रिया राजेश तिवारी ने दी है, जिनका नागपुर से 0 माइल पर फूलमाला और गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया, जिसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। दर्शकों, आज की व्यस्त जिंदगी में जो है फिटनेस का काफी बड़ा महत्व है, और उसी के अनुरूप राजेश तिवारी जी पूरा 600 किलोमीटर का जो है रन पार करके उमरिया से आज नागपुर पहुंच चुके हैं। नागपुर जो कि भारत का केंद्र स्थान है, आप पूरे 600 किलोमीटर की पूरी रन की यात्रा आप पूरी करके आए हैं। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ते वक्त कितनी कठिनाई आई, आपको क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरे को कठिनाई बिल्कुल भी नहीं आई। मैंने 21 तारीख को सवेरे 6:50 पर हमकी यात्रा चालू की थी, और लगभग अभी 12 बजे नागपुर में मैंने अपनी यात्रा समाप्त की। इस यात्रा के दौरान हमको बहुत अच्छे लोग मिले, लोग कुछ लौट के मेरे पास खुद आते थे कि आप क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। जब मैं उनको बताता था कि यात्रा का उद्देश्य क्या है, तो कई युवा लोगों ने मेरे को प्रॉमिस किया, कमिट किया कि सर हम भी अब जो है वो साइकिल चलाया करेंगे और मोटरसाइकिल वगैरह से दूर रहेंगे, और जितना भी नेचर के साथ हो सकेगा नेचर के साथ जीने का कोशिश करेंगे। 600 किलोमीटर की यात्रा में किस प्रकार का प्रतिदिन का किस प्रकार का शेड्यूल रहता था, कितना किलोमीटर चलते थे और किस प्रकार की दिनचर्या रही थी? मैं सुबह करीब ब्रेकफास्ट हल्का सा करके चलता था, और फर्स्ट डे मैंने 180 किलोमीटर बाइसिकल चलाई बिरसिंहपुर पाली से लेके मंडला तक। उसके बाद मैंने वहाँ नाइट हाल किया, सेकंड डे में सुबह फिर वहाँ से 8 बजे निकला और शाम को 7:30 बजे तक सिवनी तक 128 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर वहाँ नाइट स्टे किया, और थर्ड डे मैंने मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर में 1 बजे तक पवनी तक साइकिल चलाई, और वहाँ स्टे करके, क्योंकि वहाँ हमारा खुद का पैच आइडल का गेस्ट हाउस है, तो वहाँ स्टे करके फिर आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके फिर 9 बजे निकला, तो यहाँ पर 60-65 किलोमीटर आज नागपुर पहुँचा। जिस प्रकार से देखा जाए आज की जो युवा पीढ़ी है, हर प्रकार के जो है गाड़ी का यूज़ करती है, वाहन यूज़ करती है, साइकिल किसी भी प्रकार से यूज़ नहीं कर रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साइकिल की जो शैली है वो हमारे परिवेश से लुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। हर आदमी क्या लग्जरी की तरफ जा रहा है, तो जितना आप लग्जरियस होगे उतना ज़्यादा आप हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं रहोगे, और उतना ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दोहन होता है और इमिशंस होते हैं, जिसके कारण इन्वायरमेंट भी ख़राब होता है। तो हमको एक ये पैगाम सभी तक पहुंचाना है कि जो हमारे पूर्वज करते थे, साइकिल चलाते थे, तो उससे वो स्वस्थ भी रहते थे और आपका फ्यूल बर्न नहीं होता था, तो इमिशंस भी नहीं रहता था, एनवायरनमेंट भी सेफ रहता था। आज जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, यदि हम लोग इस तरीके से साइकिल का प्रयोग फिर से दोबारा चालू करेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, साथ में अपनी प्रकृति को भी सुंदर और स्वस्थ बना के रखेंगे। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने राजेश तिवारी जी से बात की, जैसा कि फिटनेस का मंत्र उन्होंने दिया है, आज का युद्ध जो है कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ जीने के चक्कर में कहीं ना कहीं नेचर से दूर हो रहा है, प्रकृति से दूर हो रहा है, जिसके चलते कई बीमारियों का शिकार हो रहा है, साथ ही साथ प्रदूषण जैसी काफ़ी समस्याएँ आती है, ऐसा ही कुछ संदेश राजेश तिवारी ने दिया है, जिनका कि स्वागत आज भारत के केंद्र स्थान 0 माइल नागपुर में किया गया है। नागपुर के सभी जो है मित्र परिवार द्वारा उनका स्वागत किया गया है, और जहाँ जहाँ उन्होंने स्टॉप लिया वहाँ भी लोगों ने काफी बड़ी तरह से उनकी सराहना की, साथ ही साथ उनका स्वागत भी किया। तो देखते हैं आगे इसका क्या असर नागपुर वासियों को पर, साथ ही साथ देशवासियों पर होता है, और किस प्रकार से फिटनेस मंत्र घर घर तक पहुंचता है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC न्यूज के लिए नागपुर। मेरा नाम राजेश तिवारी है, मैं बिरसिंहपुर के संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन में कार्यरत हूँ। मेरा उद्देश्य बिरसिंहपुर से नागपुर साइकिल की यात्रा करना, लोगों के बीच चेतना फैलाना था, ताकि वो साइकिल का यूज़ करें, जिससे कि इन्वायरमेंट सुरक्षित हो सके और लोग अपने स्वास्थ्य, ईश्वर ने पूरा साथ दिया। हमने सुबह 6:50 पर स्टार्ट की थी बिरसिंहपुर पाली से जर्नी, मंडला सिवनी होते हुए मैं नागपुर आज पहुंचा हूं। मैंने 21 तारीख को स्टार्ट की थी, आज 23 तारीख को मैं यहां दोपहर में 12 बजे पहुँच गया हूं। रास्ते में मेरे को बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले और काफ़ी लोग इंस्पायर्ड हुए, और यहां तक पहुंचने के पहले केवलारी वगैरह में पेपर में दैनिक भास्कर वगैरह में उन्होंने न्यूज़ भी दी, और कुछ लोगों ने यूट्यूब भी बनाया, और लोगों ने वचन दिया कि वो सब मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल चलाएगा। मैंने पहला स्टॉप एक नाइट हाल्ट लिया मंडला में, दूसरा स्टॉपेज लिया सिवनी में, और कल मैं 2 बजे दोपहर पहुंच गया था पावनी, एक स्टॉपेज वहां लिया, और आज सुबह वहां से 9 बजे निकल के यहां आ गया। पहले दिन मैंने 180 किलोमीटर साइकिल चलाई,
सेकेंड डे मैंने 128 से 130 किलोमीटर साइकिल चलाई, थर्ड डे मैंने 75 किलोमीटर साइकिल चलाई और आज मैंने 60 से 65 किलोमीटर साइकिल चलाई। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।